हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और न्यू डिज़ाइन का ब्लाउज। ये देखें, बहुत ही सुंदर बना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो, दो कलर लिए हैं मैंने, वाइट और ग्रीन। और ये फैदर की वूल है, तो ये देखें, ये वूल बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें, इसमें डिज़ाइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डालना चाहे डाल सकती हैं, नहीं डालना चाहे नहीं डाल सकती हैं। तो इस तरह से आपको डबल कर लिया, इस तरह से हमने डबल कर लिया है। और ये देखें, और 9 नंबर की मैंने सलाई ली है। इस तरीके से आपको फंदे डाल लेने हैं, और फिंदे हमें इस वाले वूल से कम फिंदे डालने हैं। अगर आप सादा वूल से बना रही हैं तो 62 फिंदे डालिएगा। अगर ये फैदर की वूल से बना रही हैं, 32 नंबर का या 34 नंबर का, तो 42 फिंदे डाल लीजिएगा। इस तरह से मैं फिंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, 42 फिंदे मैंने डाल लिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमें उल्टा बनाते हुए इधर से कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल सादा सादा है। और ये बनने पे बहुत सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप देखोगी तो खुद ही आप अपने इसको देख के आप बताओगी कि बहुत ही सुंदर बना है। तो पूरी रो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इधर से भी हमें एक रो को और कंप्लीट कर लेना है। तो कट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने दो सलाई निकाल ली है, एक इधर से, एक सीधी साइड से, एक उल्टी तरफ से। तो ये देखें इस तरह से। अब हमें ये सीधी साइड से दूसरा वाला कलर लगाएंगे। वो बॉर्डर पे हमें डिजाइन डालनी है तो हम डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ पे एक एक तरह से नॉट लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं, और इसको बैक साइड। आप देखें, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया और सीधा बुनना है। अब हम इधर की साइड उल्टा नहीं बुनेंगे, सीधी साइड हम सीधा ही बुनेंगे। पूरी रो इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखो, बैक साइड से इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, दो फिंदे लेंगे। ये देखें, दो ले लिए, इस तरह से बुन लेना है। इसको इधर करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब फिर से अपनी तरफ करेंगे धागे को, और दो फिंदे हम फिर से लेंगे। देखें, उल्टा बन रही हूँ, एक बार उल्टा बनेंगे, बैक साइड करेंगे, और एक बार हम इसको सीधा बुनेंगे। ये देखें, फिर अपनी साइड धागे को करेंगे और दो फिंदे लेंगे, उल्टे बनेंगे पहली बार में, दूसरी बार में हम सीधे इनको बनेंगे। इसी तरह से पूरी रो में आपको बनाना है। दो फिंदे के दो फिंदे बनते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहली बार में हमें उल्टा बुनना है। ये देखें, इस तरह से उल्टा बुनेंगे। देखें, दूसरी बार में हम सीधा बुनेंगे। फिर से देखें, उल्टी साइड से इस तरह से हम एक बार उल्टा बुनेंगे, दो फिंदों को बैक साइड करेंगे, फिर हम ये देखें सीधे फिंदे करके बुनेंगे इस तरह से।
ये देखो थोड़ा थोड़ा सा लूज बनाएंगे, इसको टाइट नहीं करेंगे। दो फिंदों में हमें दो ही फिंदे बनाएंगे, एक बार हम उल्टा बिनेंगे तो एक बार हम सीधा बिनेंगे। पूरी रो में इसी तरीके से बिन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें लास्ट में दो फिंदे बचे हैं, दोनों को हम इसी तरह से करेंगे। ये देखें यहाँ पे फिंदे को छोड़ना नहीं है। ये देखें अब देखें, अब इस वाले धागे को यहीं छोड़ना है, वाइट वाले धागे से बना लेना। सिर्फ दो सलाइन की ये डिजाइन है, बहुत इजी डिजाइन है और देखने पे बहुत सुंदर लगती है। ये देखें अब वाइट कलर से हम डिजाइन को बनाएंगे, तो पूरी रो इसी तरह से हम सीधा सीधा बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो इस तरह से ये डिजाइन लगेगी। अब देखें, ये देखें इस तरह से। अब देखें डिजाइन को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार हमने शुरुआत से ही बुना था जब हमने ग्रीन कलर लगाया था। अब इस वाले फिंदे को उतार लेना है, अब यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ से हम दो का एक करेंगे, सॉरी दो के दो फिंदे बनाएंगे। एक फिंदे को हमने बगैर बुना हुआ उतार लिया। अब देखें सीधी साइड से इस तरह से बुनेंगे। ये देखें अपनी साइड धागे को लास्ट में भी एक फिंदे को बगैर इसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से हमने शुरुआत में ले लिया है। तो मैं लास्ट में पहुंचती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो लास्ट में एक फिंदे को बचा है, तो इस तरह से करेंगे। तो अब डिजाइन इसी तरीके से बनेगी। अब वाइट कलर की मैंने बना ली है, अब ग्रीन कलर लगाएंगे। ये देखो अब ग्रीन कलर की जब डिजाइन बनाएंगे तो शुरुआत से ही डिजाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं पूरा बॉर्डर बना लेती हूँ कंप्लीट करके, फिर आपको दिखाती हूँ आगे की डिजाइन किस तरह से बनेगी। ये देखें बॉर्डर मैंने बना लिया है, ऊपर मैंने सादा सादा दो सलाई निकाल दी हैं, दो इधर से दो उधर से। अब इसको सारे फिंदे हैं जो इस तरह से हमें बंद कर देने हैं, दो का एक करते हुए इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो मैं कर लेती हूँ बंद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से अब मैंने धागा कट करके इस तरह से कर लिया। तो ये देखें बॉर्डर बनके तैयार हो गया है इस तरीके से। अब हमें ऊपर की चोली बनानी है, चोली बनाएंगे कटोरी वाली। तो वो कैसे बनेगी वो देखें। अब यहाँ देखें वाइट कलर से हम तीन फिंदे डालेंगे, दो और ये वाला तीन। अब देखें ध्यान से देखिएगा, एक सलाई हमें पूरी सादा सादा बुन लेनी है तीनों फिंदों को। ये देखें अब देखें एक फिंदे को इधर से बढ़ाना है, अब एक फिंदे को हम इधर से बढ़ाएंगे। इसी तरह से हमें फिंदे बढ़ाते जाना है और इसी तरह से हम सादा सादा बुनते जाएंगे। ये देखें
देखें इधर से बढ़ाएंगे फंदे को। इसी तरह से हमें 17 फंदे बढ़ाने हैं और 3 फंदे मैंने डाले हुए थे तो टोटल 19 फंदे हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। दोनों साइड से एक एक फंदे को बढ़ाते जाना है और बुनते जाना। ये देखो हमने 19 फंदे कर लिए, 17 फंदे बढ़ा लिए, 3 फंदे मेरे पास पहले से थे, मैंने डाले हुए थे। अब देखें यहाँ से 2 का 1 करते हुए इनको बंद कर देंगे इस तरह से। तो कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसको कर लिया है। इसी तरह से आपको 6 फीस बनाने हैं, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिए हैं, अब मैं इनको सिल के दिखाती हूँ। ये देखो किस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंदे डाले थे, इधर भी हमने फंदे 3-3 फंदे, और ये देखें इस तरह से। ये इस तरीके से सिलना है कि पता नहीं लगे कि कहाँ से सिला हुआ है। वाइट ऊन से आप सादा ऊन से भी सिल सकते हैं, थोड़ी सी ये ऊन वेदर की है तो इसलिए ये थोड़ी सी खींचने में दिक्कत करती है। ये तो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सिल लेना है। तो मैं सिलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सिलना इसी तरह से, इस तरह से। ये देखें ये बिल्कुल अलग तरह की कटोरी बनेगी। अब इसमें एक पार्ट इस तरह से जुड़ेगा, बिल्कुल ये कटोरी जैसा लगेगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फिंदा डाले हैं, ये फिंदे बीच में रहना चाहिए और इसका जो चौड़ा ये भाग है लंबा वाला, तो ये नीचे की साइड रहना चाहिए। तो ये देखें यहाँ से लेके इधर मैंने पूरा सिल लिया, ये देखें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिल लिया है, अब इसको इस तरह से कर लेना है। ये देखें बिल्कुल एकदम से कटोरी बनके तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इसी तरह से हम इन 3 पीसों को सिलेंगे। फिर मैं आपको आगे का जोड़ना बताऊंगी किस तरह से इसको जोड़ा जाएगा।